देख रहे हैं MNS न्यूज पर, देखते हैं बॉलीवुड की कुछ खास खबरें। छोटे पर्दे के सबसे विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 13 का सीजन शुरुआत से ही जबरदस्त सुर्खियों में है। आए दिन शो को लेकर कोई ना कोई बवाल देखने को मिल ही जाता है। बीते दिनों शो पर अश्लीलता के एक आरोप लगे थे और इसको बंद कराने की जबरदस्त मांग उठी थी। वहीं अब शो के होस्ट सलमान खान पर भी तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। दरअसल मामला जुड़ा है अभिनेत्री कोयना मित्रा से। रविवार को कोयना मित्रा को सलमान ने जैसे ही घर से एलिमिनेट करने का फैसला सुनाया, वैसे ही सोशल मीडिया पर लोग सलमान खान और बिग बॉस के मेकर्स पर गुस्सा निकालने लगे। सोशल मीडिया पर सलमान खान को शो से हटाने की मांग की जा रही है। KBC को मिला तीसरा करोड़पति, बिहार के गौतम कुमार झा ने जीते 7 करोड़ रुपए। टीवी का चर्चित शो कौन बनेगा करोड़पति में एक बार फिर बिहार के लाल ने अपना परचम लहराया है। बिहार के मधुबनी में रहने वाले गौतम कुमार झा, जो कि साउथ ईस्ट रेलवे में आगरा में बतौर सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। गौतम कुमार मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं। गौतम कुमार की उपलब्धि पर उनके नाते रिश्तेदार ये खबर सुनकर काफी खुश है। आइए जानते हैं कौन है वो टीवी एक्ट्रेस और राजकुमारी जो बनी है मंत्री सतपाल महाराज की बहू। अभिनेत्री मोहिनी कुमारी सिंह कल शादी के बंधन में बन चुकी है। मोहिनी उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और आध्यात्मिक गुरु सतपाल महाराज की बहू बनेगी। आपको बता दें, मोहिनी रीवा की राजकुमारी है। वह महाराजा पुष्पराज सिंह जुदेव की बेटी है, जो बहुत ही रॉयल अंदाज से जिंदगी जीती है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।